हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज राउटिंग प्रोटोकॉल तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है बेसिकली आपके कुछ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स होते हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं अब ये यूज करता कौन है ये यूज करता है हमारा राउटर अब राउटर बेसिकली करता क्या है राउटर बेसिकली आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो जब ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा होता है तो कुछ सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है हमारे

इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं करता है ये क्या करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है अपना राउटिंग प्रोटोकॉल का जो टेबल होता है उसको जो है वो अपडेट करता है और उसी की वजह से आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है है वो सेंड हो रही बट एक्चुअल में क्या होगा इसी वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के अंदर जो है राउटिंग प्रोटोकॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर समझाऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजिली समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेंड नहीं होती सोर्स टू डेस्टिनेशन इंस्टिट क्या होता है है कि जो भी हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल की राउटिंग टेबल होती है जो कि इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखती है, उस अंदर जो हमारी होती है, जो होता है वो टेबल के या फिर सेंड की जाती है तो बेसिकली आपका नेटवर्क राउटर प्रोटोकॉल होता है ये बेसिकली हमें हेल्प करता है टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वन एंड अदर डिवाइसेस तो नेटवर्क राउटर प्रोटोकॉल जो है आपका ओवर द इंटरनेट ओवर द नेटवर्क जो है एक राउटर की हेल्प से जो आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू डिजिटल डिवाइसेस और जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ये बेसिकली हमें नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं ये बेसिकली हमारी कुछ नोट होती है डिवाइसेस की जिसे हम आई एड्रेस बोलते हैं उनको जो है वो राउट करता है राउट करने का मीनिंग है उनको जो है वो ट्रेवल्स करता है सेलेक्ट करता, करता है और उन नोड्स की हेल्प से जो है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्राप ट्रांसफर करता है या फिर सेंड करता है और अब हम जब इतना राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए जो हमारे प्रोटोकॉल सेंड होता है जो हमारे प्रोटोकॉल यूज होता है उसे हम बोलते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल नाउ लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन की आपका टीसीपी प्रोटोकॉल होता क्या है और इसी वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊँगा और साथ के साथ जो है इसके कुछ फीचर्स बताऊँगा कि किस तरीके से जो है हमारा काम करता है तो टीसीपी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो टीसीपी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी क्रिप्टोग्राफी वाली यूनिट में बट इस यूनिट के अंदर जो है हम इस टॉपिक को जो है काफी डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का और काफी इंटरव्यूज में जो है नेटवर्क सिक्योरिटी की या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरव्यूज एग्जाम्स गेट एग्जाम तक में जो है हमारा ये टी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन जो है आते हैं टी सी फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसको हम अप्रीवेट करते हैं टीसीपी के नाम से ये बेसिकली आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो होता है टी उसको फैसिलिटेट करता है और वहाँ से जो है हमारे पैकेट्स को ट्रांसमिशन करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है अब पैकेट्स क्या होते हैं पैकेट्स जो है बेसिकली आपके कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि फ़ाइल की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं अभी बेसिकली जो पैकेट्स हैं हमारे जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ये सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है सेंड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टी प्रोटोकॉल दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अब ये बेसिकली आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है अब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मीनिंग है कि ये जो है आपका कनेक्शन जो है वो प्रायरली एस्टेब्लिश कर देगा बिफोर द कम्युनिकेशन आकर्स यानी कम्युनिकेशन करने से पहले ही जो है टीसीपी प्रोटोकॉल को पता हुआ कि मुझे इस डिजिटल डिवाइस से ये डेटा ट्रांसफर करना है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है और दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे जो है मुझे इस डेटा को ट्रांसफर करना है ओवर द इंटरनेट या फिर हम बोल सकते हैं नेटवर्क के थ्रू तो ये जो है हमारा टीसीपी की वर्किंग होती है और इसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ये जो है हमारा एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि काफी जगह यूज किया जाता है तो इस प्रोटोकॉल को जो है हम मेजरली आई पी Protocol के साथ डिस्कस करते हैं बिकॉज जब हम कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन आपकी एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस पर सेंड हो रही है तो उसके लिए जो हमें आई पी एड्रेस का पता होना चाहिए जो हमारे डिजिटल डिवाइस के एड्रेस होते हैं उनका पता होना चाहिए और उसके लिए जो है आई पी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये दोनों प्रोटोकॉल एक साथ यूज होते हैं जिसे हम बोलते हैं टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल अब जो हमारी मेन फंक्शनैलिटी होती है वो टी की वो होती है कि ये जो है हमारे डेटा को टेक करता, करता है यानी डेटा को कलेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर से एंड देन उस डेटा को जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है डिवाइड कर देता है अब ये जो है हमारा एक वर्किंग प्रोसीजर है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा के टी की मेन फंक्शनैलिटी होती है कि वो डेटा को कलेक्ट करेगा एप्लीकेशन लेयर से एंड देन उस डेटा को जो है सेवरल पैकेट्स में जो है वो डिवाइड कर देगा और फिर उन पैकेट्स की जो है नंबरिंग कर देगा ताकि जब हम उन पैकेट्स को रिकम्बाइन करेंगे रिसीवर के पास तो वो ईजिली रिकम्बाइन हो सके तो डेटा कलेक्ट होगा पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उन पैकेट की नंबरिंग होगी एंड फाइनली जो है उसे हम जो है ट्रांसमिट कर देंगे टू द डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर के पास जो है हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट अब दूसरी साइड क्या होगा जब टीसीपी रिसीवर के पास पहुंचेगा यानी जो हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की हेल्प से हमारे डेटा को सेंड किया है पैकेट की फॉर्म में जब वो रिसीवर साइड पे आएगा तो वो क्या करेगा रीअसेंबल करेगा पैकेट्स को अब रीअसेंबल करना ईजी हो जाएगा बिकॉज पैकेट की हमने नंबरिंग कर रखी है और नंबरिंग की जो है ईजिली री असेंबलिंग या फिर सॉर्टिंग कर सकते हैं तो जैसे ही हमारे वो रीअसेंबल हो जाएंगे पैकेट्स और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे सेंड कर दिए जाएंगे और रिसीवर जो है इजीली अपने मैसेजेस को देख सकता है अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीसीपी के अंदर एक मेजर स्पेसिफिक कीवर्ड है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मीनिंग है कनेक्शन जो है हमारा जब तक एस्टेब्लिश रहेगा जब तक जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है कम्प्लीटली एस्टेब्लिश नहीं हो जाती या फिर हमारा डेटा जो है कम्प्लीटली सेंड नहीं कर दिया जाता बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर तो ये जो है हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मीनिंग है और अब हम बात करेंगे टीसीपी हेडर फॉर्मेट की अभी हमने डेटा के बारे में बात की कि किस तरीके से जो है आपका डेटा वो सेंड कर दिया जाता है या फिर ट्रांसमिट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टी सी पी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टी सी पी जो एक हेडर फॉर्मेट होता है इसके अंदर हमारी एक हेडर लाइन की कंटेंट होता है और दूसरा होता है इसके अंदर हमारा डेटा अब ये जो हमारे टी सी पी केडर फॉर्मेट है ये बेसिकली आपका लिंक लिस्ट की तरह काम करता है लिंक लिस्ट हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं एक होता है हमारा एड्रेस एंड सेकेंड होता है डेटा तो यहाँ पे जो हमारा हैडर है ये बेसिकली आपके एड्रेस की तरह काम करेगा इसके अंदर हमारे सोर्स का एड्रेस कि जोन से कंप्यूटर से हमें डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करना है वो और सेकंड हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस जिस रिसीवर के पास या फिर जिस रिसीवर के कंप्यूटर के पास हमें डेटा सेंड करना है वो उन दोनों का जो 16 बिट एड्रेस है है वो दोनों जो है, हमारे हेडर के अंदर सेव होते हैं और इसी की हेल्प से जो है हमारा डेटा करेक्टली एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस की फॉर्म में जो सेंड कर दिया जाता है और यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे फोर बिट सिक्सटीन बिट ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के हमारे एक्शन होते हैं हमारे टास्क होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑप्शन एंड पैडिंग के लिए जिसे हम इनक्रिप्ट

होते हैं तो इसकी फीचर्स है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है वहां ये काम करता है रिलायबल होता है रिलायबल होने का मीनिंग है कि सिंपली जो है हमारा टीसीपी और आईपी पे रिलायबल होता है उसके अलावा किसी और प्रोटोकॉल की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है ऑर्डर ऑफ द डेटा इज मेंटेन अब हमारा जो डेटा है उसका ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन रहता है अभी मैंने आपको बताया जो हमारा डेटा होता है वो टी के अंदर पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होता है एंड देन उन पैकेट की नंबरिंग होती है तो वो जो नंबरिंग है वही जो है हमारे डेटा के ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है और ये हम बात कर ही चुके हैं कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है फुल डुप्लेक्स एंड स्ट्रीम ओरिएंटेड और फुल डुप्लेक्स और स्ट्रीम ओरिएंटेड का मीनिंग यही है कि कंप्लीटली जो है जिस स्ट्रीम में हमने डेटा को सेंड किया है वो जो है कंप्लीटली सेंड होगा ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन कोई फाइल सेंड की तो आधी अधूरी सेंड होगी तो ये जो है हमारा कुछ फीचर्स हैं हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल के और ये जो है हमारी वर्किंग है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे वर्क करता है ये जो है हमारी इसकी वर्किंग है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पैसेजेस है एक्टिव ओपन पैसेज एंड सेकंड है हमारा इसके अंदर पैसिव ओपन पैसेज जो कि हमारा राइट साइड में है अब ये जो आप प्रोटोकॉल देख सकते हैं ये हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्टैब्लिश हो रहा है कि क्लाइंट ने जो है हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड की वो जो है हमारी कहाँ पहुंचेगी सर्वर के पास पहुंचेगी और उस सर्वर के पास पहुँचने के बाद जो है हमें एक एक्नोलेजमेंट मैसेज मिलेगा कि क्या हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड हुई और अगर ये एक्नोलेजमेंट मैसेज हमारा येस या ट्रू होता है तो हम जो है यहां से भी जो है एक्नोलेजमेंट मैसेज करेंगे और उसके बाद जो है हमारा कंप्लीटली मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा ये जो आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं इस प्रोटोकॉल जो है हम समटाइम्स हैंडशेक प्रोटोकॉल भी बोलते हैं और बहुत सारे हमारे कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और इसी रीजन की वजह से जो है हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है थैंक यू